कश्मीर के शोपियां में फिर गैर कश्मीरियों पर आतंकियों ने हमला किया, प्रवासी मजदूरों पर फेंका गया हथगोला। तो गैर कश्मीरी मजदूर जख्मी, आतंकियों का कोई सुराग नहीं। दो दिन के भीतर तीसरा आतंकी हमला, दूसरे राज्यों के लोगों को निशाना बना रहे हैं आतंकी। सुरक्षा के लिए कश्मीरी पंडितों की कवायद, शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर देश भर में गुस्सा, राजस्थान के भीलवाड़ा में विप्र सेना का प्रदर्शन। अनंतनाग में एनकाउंटर, सेना के 3 जवान और 1 नागरिक जख्मी, 1 आतंकी कमांडर ढेर। मारे गए आतंकी कमांडर का नाम निसार खांडे, हिजबुल मुजाहिदीन का है आतंकी, AK-47 राइफल बना। कश्मीर के हालात पर गृहमंत्री अमित शाह ने की अहम बैठक, एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे मौजूद रहे। बैठक का मुख्य फोकस घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था पर बातचीत। पीएम पैकेज के तहत तैनात कश्मीरी पंडितों का कई शहरों में प्रदर्शन, सामूहिक पलायन की दी धमकी। अनंतनाग के मटा में जम्मू पहुंचे कश्मीरी पंडितों का कई परिवार, टारगेट किलिंग के बाद से घाटी छोड़ने का फैसला लिया। अनंतनाग के मटा में ट्रांसिट कैंप में पसरा सन्नाटा, ज्यादातर लोगों ने कार में सामान भरकर जम्मू का रुख किया, खराब हालात का दिया गया हवाला। बड़गाम के शेखपुरा कॉलोनी में भी जम्मू के लिए लोग निकले, इलाके में पसरा सन्नाटा, घरों में लटके हुए दिखे थे। कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग के बावजूद आयोजित किया जाएगा खीर भवानी मेला, प्रशासन ने शुरू की तैयारी। अमरनाथ यात्रा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने ली बैठक, 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। कानपुर में कल की पत्थरबाजी के बाद से हालात तनावपूर्ण, पुलिस की जबरदस्त तैनाती। पुलिस ने इस मामले में दर्ज की है 3 FIR, 40 लोग नामजद। अब तक 36 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी, FIR में 1000 अज्ञात लोग। पुलिस ने बवाल करने वाले पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरा, सीसीटीवी फुटेज और वीडियो से एक एक आरोपी की पहचान। कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने कहा PFI या किसी अन्य संगठन की साजिश भी हो सकती है, जांच जारी। कानपुर हिंसा को लेकर मुस्लिम पक्ष ने कहा हमारे जुलूस पर शुरू कर दी गई थी पत्थरबाजी। कल कानपुर के यतीम खाना चौराहे पर हुआ था पथराव, 30 लोग हुए थे घायल। मार्केट बंद कराने को लेकर भिड़े थे दोनों समुदाय, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय ने बंद कराई थी दुकान। हिंसा को देखते हुए कानपुर शहर भेजे गए अतिरिक्त IPS अधिकारी अजयपाल शर्मा, यतीम खाना और मुस्लिम बहुल इलाकों में फ्लैग मार्च। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, दोषियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई होगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक पथराव के बाद से चंद्रेश्वर हाथा में घुसने लगी थी भीड़, गाड़ियों को नुकसान। सीएम योगी ने गोरखपुर से कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, कानपुर पर जानकारी ली, सख्त एक्शन के आदेश। SP अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया BJP प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हो गिरफ्तारी, पुलिस और इंटेलिजेंस सर्विस पर सवाल। कानपुर दंगे पर मायावती का ट्वीट, PM के दौरे के दिन ही दंगा और हिंसा होना चिंताजनक, पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मर्चेंट चैंबर में व्यापारियों के साथ बैठक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज फिर गर्मा सकता है ज्ञानवापी का मामला, स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने किया है ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा का ऐलान। शिवलिंग वाली जगह को कोर्ट ने कर रखा है सील, स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद पूजा करने पर अड़े। पूजा के ऐलान के बाद से पुलिस सतर्क, कड़ी की गई है ज्ञानवापी की सुरक्षा व्यवस्था। अभिमुक्तेश्वर आनंद को उनके मठ में पुलिस ने किया नजरबंद, मठ के अंदर और बाहर जाने वालों पर कड़ी नजर। पुलिस के मुताबिक कार्यक्रमों की नहीं दी गई थी मंजूरी, विद्या मठ को चारों तरफ से घेरा गया। पहली बार दिखा सिद्धू मूसेवाला के संदिग्ध हथियारों का चेहरा, हरियाणा के फतेहाबाद में पेट्रोल पंप के CCTV में कैद हुए कातिल। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ देर पहले की बताई जा रही है तस्वीरें, पेट्रोल पंप पर बुलेरो में सवार दिख रहे हैं कातिल। सिद्धू मूसेवाला के हमलावरों का एक और CCTV वीडियो, बुलेरो छोड़ ऑल्टो छीनकर भागे थे हथियार।
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा, दिल्ली पुलिस में से पूछताछ में कहा हां मेरे गैंग ने मारा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में नेपाल पहुंची दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम, वारदात के बाद हमलावरों के छिपे होने की आशंका। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलेंगे गृहमंत्री, चंडीगढ़ में होगी मुलाकात। अमित शाह आज पंचकुला और चंडीगढ़ का उनका है दौरा, खेलो इंडिया का उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा के 57 सीटों पर चुनाव 10 जून को, झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव हुआ निर्विरोध। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में बगावत का खतरा, 120 में से करीब आधे विधायक ही होटल पहुंचे। हरियाणा में विधायकों को अपने पाले में रखने की कवायद, रायपुर के रिसोर्ट में रखे गए हैं कांग्रेस के विधायक। हैदराबाद में थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, नाबालिग से बलात्कार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने निकाला था मार्च। हैदराबाद के हाई प्रोफाइल पार्टी के बाद नाबालिग से हुआ बलात्कार, तेलंगाना सरकार के खिलाफ बीजेपी की मोर्चा बंद। महाराष्ट्र में फिर गर्मा है लाउडस्पीकर का मुद्दा, हिरासत में लिए गए घर घर जाकर पर्चे बांटने वाले एमएनएस के कार्यकर्ता। टनकपुर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, चंपावत चुनाव में जीत के बाद किया रोड शो। चीनी वीजा केस में कार्ति चिदंबरम को झटका, अदालत ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। बाड़मेर में भारत पाक सीमा पर गांव में मिला संदिग्ध पक्षी, पैर में लगा हुआ था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कानपुर से इटावा जा रही बस में औरैया में भीषण आग, सुरक्षित निकाले गए सभी 22 यात्री। रोहतक में पिकअप ने बाइक सवार पुलिस वालों को मारी टक्कर, मौके पर मौत। गुरुग्राम में अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती मांगने की साजिश नाकाम, 3 युवक गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र में रेलवे थाना इंचार्ज को आया धमकी भरा फोन, 5 रेलवे स्टेशन को उड़ाने की चेतावनी। दिल्ली के भरसवा लैंडफील्ड में धधकी आग, काबू पाने में मशक्कत कर रहे दमकल की गाड़ियां। पुणे में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना, उबला हुआ पानी डालकर 2 भिखारियों की हत्या। सूरत में लिफ्ट में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़, सीसीटीवी में कैद मारा। दरभंगा में वायरल हुआ गालीबाज अफसर का वीडियो, महिलाओं के सामने महिला का वीडियो ने अभद्र भाषा का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। पंजाब के होशियारपुर में नाकेबंदी के दौरान एक गाड़ी से हथियार बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में तालिबानी सजा का वीडियो वायरल, 2 लोगों से मारपीट। हैदराबाद में नाबालिग के साथ कार में गैंग रेप, पब से लौट रही थी लड़की। यूपी के बांदा में नर्सिंग स्टूडेंट की मौत, पति पर पीट पीट कर मार डालने का। मुरादाबाद में एमए की छात्रा ने की खुदकुशी, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे 2 युवक। नई दिल्ली के टर्मिनल 3 पर भारतीय यात्री गिरफ्तार, 34,500 अमेरिकी डॉलर की तस्करी का आरोप। कपूरथला में गुरुद्वारा परिसर में मिला एक बुजुर्ग का शव, संदिग्ध हालात में पुलिस की मुश्किलें बढ़। पंजाब के अबूहर में पेट्रोल पंप पर लूटपाट, प्राइवेट बस के कंडक्टर से लूटे गए 1,00,000 रुपए। विश्व साइकिल दिवस पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की रैली, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में साइकिल चलाई। राजस्थान के टोंक में एसएचओ की अनोखी फेयरवेल पार्टी, सफेद घोड़ी पर कस्बे में निकाले गए सवार। केदारनाथ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सोनप्रयाग में जबरदस्त जाम, 1 किलोमीटर तक लगी लोगों की लाइन। उत्तराखंड में मानसून के कहर से निपटने के लिए तैयारियां, उत्तराखंड में तैनात की गई स्पेशल फ्लड रिस्पांस टीम। असम मेघालय बॉर्डर के जोराबाद में नेशनल हाईवे पर जल जमाव, भारी बारिश के बाद बढ़ी लोगों की मुश्किलें। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में सैलानियों का टूटा रिकॉर्ड, बीते साल 6 करोड़ से ज्यादा की कमी। हुगली में ममता बनर्जी ने की संतोषी माता मंदिर में पूजा अर्चना, सिंगूर आंदोलन को लेकर मांगी थी मन्नत। दिल्ली में चिदानंद सरस्वती के 70वें जन्मदिन के मौके पर मौजूद रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और स्वामी रामदेव, कमल मॉडल स्कूल के बच्चों ने कैलाश खेर के साथ बांधा समय। दिल्ली में इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने हिस्सा लिया। दुनिया भर में नेटफ्लिक्स के 22 करोड़ सब्सक्राइबर्स में से 10 करोड़ दूसरों से शेयर करते हैं पासवर्ड, पासवर्ड शेयरिंग और फीस चोरी के मकसद से खड़े हुए कई स्टार्टअप। कीमतों में बढ़ोतरी के असर से घट गई एफएमसीजी और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड, बायजोम की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के मुकाबले मई में 15% की घटी बिक्री।
इस साल अगस्त तक शुरू हो सकती है देश में विकसित 5G सेवाएं। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के विकास के लिए R&D पर खर्च बढ़ाने का भी सरकार ने भरोसा दिया। चीनी मूल के नागरिकों को देसी कंपनियों का डायरेक्टर बनाने से पहले गृह मंत्रालय के लिए नहीं होगी मंजूरी, सब्सिडियरी बनाकर काम करने वाले कंपनियों पर होगा असर।